एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए सेकंड टी10 मैच का वीडियो लेकर आप सभी के लिए। सबसे पहले तो उस भाई को बहुत बहुत बधाई जिसने भी इस वीडियो पर सबसे पहला कमेंट करके 100 रुपीज़ बिल्कुल फ्री में विन कर लिए हैं। क्या आप नहीं कर पाए? कोई ना भाई, 200 रुपये का गिव अवे और है, वो आपको कैसे लेना है मैं बता रहा हूँ। वीडियो के बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है इसी मैच के रिलेटेड, ठीक है, जिसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सही आंसर वाले को मिलेंगे बिल्कुल 200 रुपीज़ फ्री में। लेकिन भाई, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया या फिर अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का, तो किस बात का वेट कर रहे हो भाई? फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि भाई इस चैनल पर आपको ऐसे टाइप के काफ़ी सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। और हमारे हर एक वीडियो में 300 रुपीज़ का गिव अवे होता है, जिसमें से 100 रुपये हम फर्स्ट कमेंट एंड लाइक वाले को देते हैं और 200 रुपये हम क्वेश्चन का सही आंसर करने वाले विनर को देते हैं। तो चलो भाई, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे मैचेस की मैं आपको जो है फ्री एंड फाइनल टीम प्रोवाइड करता हूँ। अब देखो, आप बोलोगे बहुत से लोग करते हैं इसमें रिफरेंस क्या, देखो भाई सब लोग करते हैं, लेकिन हमारी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। प्लस भाई देखो, जो भी लास्ट टाइम पर बैटिंग ऑर्डर रहता है, ठीक है, या फिर कोई भी न्यू प्लेयर खेलता है, उन सभी का स्टैट्स प्लस जो भी हमारे गिव अवे का विनर बनता है, उन सभी का अनाउंसमेंट सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम में ही देखने मिलता है। तो भाई वहाँ के ज्वाइन हो जाना, ऑलरेडी काफ़ी सारे मेंबर ज्वाइन है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पर मिल जाएगा, बिना टाइम वेस्ट के जाकर ज्वाइन कर लो सब लोग। मैं आ चुका हूँ सीधा ड्रीम इलेवन के ऊपर। टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा स्टैट्स दिखाने में, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सारे मैचेस इन दोनों ही टीम्स के बीच में हो चुके हैं। तो सीधा हम प्लेयर्स के ऊपर जाएंगे और हम सीधा उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको पिक करेंगे अपनी स्मॉलिक की टीम में, कि कौन से प्लेयर को परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है और कौन सा प्लेयर बेस्ट होगा स्मॉलिक्स में। विकेट कीपर सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे आपको चारों विकेट कीपर खेलते हुए दिखने वाले हैं, एस गुज, एस अरिफ, एफ खान और यहाँ से गिलमन अंजुम, ठीक है। स्माइली की बात करूँ, एस गुज आपकी टीम में मस्ट है, होना चाहिए कैप्टन, आराम से आप लोग बना सकते हो आंख बंद करके। अभी तक किसी भी मैच में ये बंदा फ्लॉप नहीं हुआ, हर मैच में इस बंदे ने स्कोरिंग की है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आपकी टीम में मस्ट है, प्लस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। एस अरिफ को भी मैं लेने वाला हूँ स्माइली में। रीजन क्या है भाई बताता हूँ, कल इसने 2 मैच खेले थे, ठीक है, दोनों मैच में भाई ये बंदा सेकंड राउंड बैटिंग के साथ साथ आपको 1 से 2 ओवर की बॉलिंग दोनों ही मैच में इसने करके दिया, ठीक है। विकेट कीपिंग यहाँ से करता है एफ खान, आरएफ की टीम की तरफ से, इसीलिए एस अरिफ जो है बॉलिंग भी कर लेता है, इसीलिए इस बॉलिंग में मैं एस अरिफ को लेकर चलना चाहूँगा। एफ खान जी अंजुम काफ़ी नीचे खेलते हैं, आराम से ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो तो कर देना, अगर इन दोनों में से कहीं टॉप ऑर्डर में मेंशन होता है तो, अदरवाइज दोनों को ड्रॉप कर सकते हो ग्रैंड लीग में भी। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ, ए वैली गमागे भाई बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएगा, कैप्टनसी आप वाइस कैप्टनसी इसको भी बना सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है बैटिंग सेक्शन में, सबसे अच्छा प्लेयर यही है, कम बॉल में ज़्यादा रन बनाने इसकी एबिलिटी है, आपके लिए कैप्टनसी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये भी रहेगा। नेक्स्ट मैच जे अहमद, देखो जे अहमद को आप लोग इस मैच में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो भाई जे अहमद एक ऐसा प्लेयर है जो 10 मैच में आपको जो है 4 से 5 मैच में परफॉर्मेंस करके देगा, लगभग इसके परफॉर्मेंस के चांसेस 50-50 होते हैं हर मैच में, ठीक है, या तो ये 0 पे जाएगा या फिर ये 10-20-30-35 रन मार के ही जाएगा। लेकिन भाई इस मैच में इनके सामने आएंगे बीयूबी के बॉलर्स और बीयूबी की टीम के सबसे मेन बॉलर है एस मोहन दास, जो पावर प्ले में ही अपना जो है ओवर खत्म कर देता है, ठीक है, पहला और तीसरा ओवर यहां से एस मोहन दास ही करता है बीयूबी की टीम की तरफ से। और भाई एस मोहन दास एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है जिसको खेलना हर बैट्समैन के बस की बात नहीं, तो मेरे हिसाब से भाई जे अहमद आज के मैच में जो है फ्लॉप होने वाला है, एस मोहन दास इसको उड़ा देगा, मतलब इसका विकेट ले लेगा, तो आप लोग भी इसको ड्रॉप कर सकते हो। जे अहमद को इस मैच में ड्रॉप करना एक लॉजिकल रिस्क साबित हो सकता है हमारे लिए। दानियाल अकबर एक अच्छा प्लेयर है लेकिन लास्ट मैच खेला नहीं था, मेरे हिसाब से चांसेस कम है इस मैच में खेलने के, स्टिल अगर खेल गया हमारी टीम में बिल्कुल सही बंदा होगा। अली फरासत काफ़ी नीचे आ रहा है, ड्रॉप कर सकते हो। सेम गोस फॉर ए अजीज़, दोनों ही काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं। देखो यहाँ से आपको देखिएगा पी प्रीतेश कुमार, इस बंदे को हर मैच में टॉप ऑर्डर बैटिंग करने का मौका मिला लेकिन अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है इसका, ग्रैंड लिस्ट में ट्राई करना, अगर टॉप ऑर्डर में मेंशन हो जाए तो हो सकता है किसी भी मैच में आपको 20-25 रन मार के ड्रीम टीम में आता हुआ दिख जाए। तो अभी के लिए यहाँ से मैं एक ही बैट्समैन लेकर चलना चाहूँगा। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो देखो सबसे पहले आपको टीम में लेना है अब्बास घनी को, जो आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग दे रहा है और बॉलिंग भी देता है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना आप लोग, लास्ट के कुछ मैचेस से इसने जो है बॉलिंग करना जो है बंद कर दिया है, ठीक है, आप लोग कोई से भी मैच उठाकर देखो लास्ट के 3 में से किसी भी मैच में इस बंदे ने बॉलिंग नहीं की है, तो लगभग आप लोग ये मान के चलो ये बंदा सिर्फ बैटिंग करेगा, वो भी ओपनिंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कैप्टनसी आप लोग इसको मत देना, बिकॉज आपको इसके पास जो है ना आप बॉलिंग का एडवांटेज नहीं है, तो हाँ वाइस कैप्टनसी के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। यहाँ से मानव नायक आपको नेक्स्ट देखिएगा, विकेट टेकर बॉलर है, लेग स्पिन बॉलर है, काफ़ी अच्छी इसके पास वेरिएशन है, ठीक है, लेग ब्रेक गुगली काफ़ी सही डालता ही है और सबसे अच्छी बात भाई इसका टप्पा बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है, बैट्समैन ने थोड़ी सी भी गलती की सीधा बोल्ड, और आपको पता होगा नॉर्मल विकेट के कंपेरिजन में एक बोल्ड LBW विकेट को 33 पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर इसने 2 भी विकेट ले लिए ना बोल्ड करके तो भाई 80+ पॉइंट इसका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ग्रैंड लीग में और स्मॉलिंग में CVC भी बना सकते हो इस मैच में, क्योंकि भाई यहाँ से जो सेकंड टीम है ना RF की टीम, इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी वीक है, दो
प्लेयर के ऊपर पूरी टीम रिलाई करती है। इनकी पहला प्लेयर है जे अहमद जो फ्लॉप होने वाला है इस मैच में, लगभग 95% चांसेस हैं। और दूसरे प्लेयर है यहाँ से एस अरीफ जो अभी जो है ज़्यादा कुछ खास फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ प्लेयर अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए एम नायक एक डिफरेंशियल सीबीसी होने वाला है इस मैच में आप सभी के लिए। अगर बीयूबी की टीम पहले बॉलिंग कर जाएगी ना तो आप लोग इसको बना सकते हो सीबीसी आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है अली अलमास जो हमारे लास्ट मैच का सुपर ट्रम्प कार्ड पिक था भाई, 4 विकेट लेके गया, ओनली 8% सिलेक्शन था। जो भी हमारे टेलीग्राम में जुड़े होंगे उनको पता होगा भाई बहुत ज़बरदस्त वाला हमारा विनिंग हुआ था इस मैच में भी, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाओ, बहुत अच्छा खासा वहाँ पर हमारा जो है परफॉर्मेंस आ रहा है। बैक टू बैक हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं सारे टिटन के मैचेस में और जो भी मैं अदर मैचेस कवर करता हूँ उन सब में भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई हूँ, मैं आपको लीग 11 एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। देखो भाई लीग 11 एप्लीकेशन एक इंडिया का फास्टेस्ट फैंटेसी ग्रोइंग एप्लीकेशन है। बहुत ही अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर फीचर्स देखने मिलते हैं, लाइक इंस्टेंट विड्रॉल आपको देखने मिलेगा, सबसे कम एंट्री फीस आपको देखने मिलेगी फैंटेसी के मार्केट में किसी एप्लीकेशन में, तो भाई वो है लीग 11। 24/7 कस्टमर सपोर्ट, डेली फ्री गिवअवेज और बिल्कुल सेम ड्रीम 11 जैसा टीम क्रिएशन का सिस्टम जिसमें आप लोग 10 प्लेयर भी ले सकते हो एक टीम के, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे लीग 11 में। अब देखो यहाँ से आप लोग खुद जो है एंट्री फीस कंपेरिजन करके दे सकते हो, जो कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 में 3,850 रुपये का देखने मिलता है, सेम कॉन्टेस्ट लीग 11 में भाई 3,467 रुपये का देखने मिलता है। 3,400 रुपये आपको डायरेक्टली जो है एक एक कॉन्टेस्ट से सेव हो जा रहे हैं। और अगर आप इस तरह के कॉन्टेस्ट दिन में अगर 10-12 भी खेलते हो ना भाई, आप लोग 4,000-5,000 रुपये सिर्फ एंट्री फीस से सेव कर लोगे। और ये जो सेविंग का मैंने आपको मेथड बताया ये सिर्फ और सिर्फ लीग 11 में ही पॉसिबल है, बिकॉज अदर आपके कंपेरिजन में भी भाई काफ़ी यहाँ पर जो है कम एंट्री फीस है। तो भाई इसलिए बोलता हूँ फैंटेसी में लॉस कवर सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो एक एक रुपए को वैल्यू देते हैं और खेलते ऐसी जगह हैं जहाँ से उनको रियल में बेनिफिट हो। मेरा काम बस आपको राह दिखाना है, चलना ना चलना आपका काम है। एप्लीकेशन का मैंने लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, आपको जो है बेनिफिट काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। नहीं करना चाहो तो मत करो भाई, आपकी जो है मर्जी है उसमें, ठीक है। और हाँ एक और बात, अगर आप मेरे लिंक से लीग 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे भाई तो आपको 300 रुपीज़ तक का बोनस कैश मिलेगा, और यहाँ का बोनस कैश भाई आप लोग लगभग रियल कैश के बराबर समझो, काफ़ी अच्छा खासा यूजेबल होता है। तो चलो भाई अब बात करते हैं मुद्दे की, ठीक है। तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ ड्रीम 11 में, फिर से ऑलराउंडर सेक्शन में था मैं, तो यहाँ से के वहीद आपको नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखो के वहीद भी काफ़ी अच्छे बॉलर है, लेकिन भाई लास्ट मैच में ना इसको जो है विकेट नहीं मिले और इसने एक ही ओवर की बॉलिंग की, बिकॉज काफ़ी सारे विकेट तो भाई ए अलमाज ही ले गया था, ठीक है। 4 विकेट तो ये बंदा अकेले ही ले गया, तो बाकी बॉलर को मौका देने के चक्कर में के वहीद को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली। लेकिन भाई ये बंदा रेगुलरली 2 ओवर की बॉलिंग करता है, प्लेयर काफ़ी अच्छा है, टीम में आपके होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से मेसिथ ओस्तुर्क, देखो भाई एम ओस्तुर्क एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉप क्लास ऑलराउंडर है। आपको पता होगा प्रीवियस दो अभी जो है सीरीज हुई थी, एक स्वीडन टिटन और एक रोमानिया टिटन, दोनों टिटन में ये बंदा खेल रहा था और दोनों ही जगह में ये बंदा जो है फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रहा था। डिफरेंशियल नहीं, सबका डिफॉल्ट सीवीसी ये बंदा रहता था, लेकिन अभी इसका सिलेक्शन ओनली 55% है। रीजन क्या है भाई, ये बंदे को विकेट्स नहीं मिल रहा, और सबसे मेन बात फर्स्ट डाउन छोड़कर ये बंदा सीधा जो है 10 नंबर पे आ गया है बैटिंग करने, ठीक है। तो सिर्फ आपको 1-2 ओवर की बॉलिंग करके देगा, बैटिंग से आपको पॉइंट्स लेता हुआ है नहीं दिखेगा। इसलिए मैं एम ओस्तुर को एक प्रॉपर बॉलर के तौर पर अपनी टीम में जो है कवरअप कर रहा हूँ, बैटिंग से मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिकॉज इसका बैटिंग बहुत नीचे है, जो इसके बैटिंग आने के लगभग 0% चांस है इस मैच में, बिकॉज बीयूबी का टॉप ऑर्डर 1 नंबर है भाई पूरे टूर्नामेंट में, सबसे अच्छा किसी का टॉप ऑर्डर है तो वो है बीयूबी, ठीक है, बीयूबी की टीम का। बाकी देखो एजय कुमार काफ़ी अच्छा बॉलर है, लेकिन खेल नहीं रहा लास्ट मैचेस, अगर खेल गया तो टीम में हम लेके चलेंगे। ये सब खा रहे बिल्कुल बकवास है, आराम से ड्रॉप करो, ए त्यागी भी बकवास है। आई हफीज़ को आप लोग रन लिस्ट में ट्राई करना है, रेगुलर ये बंदा 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो इसके पास ज़्यादा नहीं है। बाकी देखो नीचे से कुछ आपको प्लेयर्स दिखेंगे जिन्होंने अभी तक एक मैच भी नहीं खेला, लेकिन भाई एक दो प्लेयर इनमें से ऐसे हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त स्टैट्स रखते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है पास्ट में, ठीक है। तो उनमें से कोई भी खेल गया अगर, तो मैं आपको इन सभी का स्टैट्स हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप लोग ज्वाइन कर देना। फिर से बोल रहा हूँ लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स टॉप पर मिल जाएगा। बात करता हूँ बॉलिंग सेक्शन से, उससे पहले भाइयों बात कर लेते हैं गिव अवे के क्वेश्चन की। तो आज के मैच में जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, ठीक है, वो टोटल कितना रन स्कोर करने वाली है वो टीम, ठीक है। देखो भाई आप ऐसा मत निकला कि ये टीम पहले बैटिंग कर रही है इतना स्कोर करेगी, ठीक है। आप लोग सीधा जो है ना नंबर देखना, जैसे आपको लगता है कि कोई मतलब बीयूबी मान लो आपको लगता है पहले बैटिंग कर रही है, तो आपको सीधा ऐसे लिख देना है 100 रन्स, ना आपको ये लिखना है बीयूबी 100 रन्स, ना कुछ लिखना, सीधा आपको लिखना है 100 रन्स, क्योंकि भाई आप लोग यहाँ तक जो है काफ़ी टाइम वेस्ट करके आए हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं भाई, काफ़ी टाइम आप लोग स्पेंड करके आए हो यहाँ तक। और कुछ लोग होंगे जो सीधा गिव अवे के लिए आएंगे वीडियो में, जो लोग सीधा कमेंट करेंगे गिव अवे का क्वेश्चन वहाँ से उनका पता पड़ जाएगा, सीधा वो लोग आंसर देखें वीडियो से आउट। तो वैसा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो बंदा यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बना रहा है तो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सीधा लिखना 100 रन्स या जो भी आपको लगे आप लोग ऐसा कमेंट करना, ठीक है। आप लोग पूरा मत लिखना, ऐसा लिखना ताकि लोगों को पता ना पड़े कि क्या क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है। और हाँ मैंने आपको
पहले भी कहा था कि वीडियो को आपने लाइक किया हुआ होना चाहिए और चैनल के आप सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आपको प्राइज मिलेगा। बात कर लेते हैं बॉलिंग सेशन के बॉलर्स की। देखो आई अंसारी, एस मोहनदास, पी कुमार, ये तीनों आपकी टीम में डिफॉल्ट ऑप्शन होने चाहिए। इसके अलावा भाई कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। एक दो प्लेयर है आर मोमिन और आई अहमद। आई अहमद का छोड़ दो भाई, बिल्कुल बकवास बॉलर है, ठीक है, इसके ओवर भी बहुत ज़्यादा कट होते हैं। आर मोमिन को मैं आपको जो है प्रेफर कर सकता हूँ स्मॉल लीग्स तक में। अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग कर जाए ना आरएफ की टीम, तो आप लोग आर मोमिन को एज ए ट्रंप ले सकते हो। 1% सिलेक्शन है भाई, बॉलर ही मेरे को सही लगा, इसका लाइन लेंथ काफ़ी सही था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग इसको एज ए ट्रंप ले सकते हो अगर आप लोग की टीम में ये फिट बैठता है तो, नहीं तो भाई ग्रैंड लीग्स में तो लेना ही है इसको आंख बंद करके, कि दो ओवर की कंप्लीट बॉलिंग ये बंदा हर मैच में कर रहा है। अब देखो यहाँ से हमारी टीम हो चुकी है क्रिएट। मैं आपको बताता हूँ कुछ सी बी सी के बेस्ट ऑप्शंस। तो देखो भाई पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शंस, फिर मैं आपको बताऊँगा मैं किसके साथ जा रहा हूँ एज ए सी बी सी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा सबका डिफॉल्ट है एस गुच। दूसरा ऑप्शन यहाँ से मैं आपको बताऊँगा ए वैली गमागे, जो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएगा और काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तीसरा यहाँ से मानव नायक, जो बॉलिंग काफ़ी अच्छी करता है और सामने वाली टीम कमजोर है तो बंडल में विकेट आपको लेके दे सकता है। चौथा यहाँ से अली अलमास। चौथा और यहाँ से पाँचवा हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो है संदीप मोहनदास। अब देखो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ किस कंडीशन में आपको किसको सीवीसी बनाना है। अब देखो यहाँ से बीयूबी की टीम अगर पहले बैटिंग कर जाएगी तो भाई इनकी टीम पूरे 10 ओवर जो है खेलने वाली है, तो यहाँ से ओपनर्स को मैं सीवीसी बना दूंगा। एस गुच मेरा रहेगा कैप्टन, वाइस कैप्टनशिप मैं दूंगा ए वैली गमागे को, ठीक है, क्योंकि भाई इनकी टीम पूरे 10 ओवर खेलेगी। लेकिन अगर मान लो ये टीम चेज कर रही है तो आरएफ की टीम का बैटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लोग 60-70 रन बना पाएंगे, तो उस केस में हमारे सीवीसी को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा रन स्कोर करने का, ठीक है। तो अगर आरएफ की टीम पहले बैटिंग करती है तो यहाँ से मैं सीवीसी यहाँ से एम नायक और यहाँ से अपने एस गुच में बनाऊंगा, बिकॉज एम नायक के दो ओवर जो है फिक्स रहेंगे और एस गुच विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग करने आएगा, ठीक है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर बीयूबी की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो यहाँ से आप लोग अपने कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी एम नायक, एम ओसुर को भी दे सकते हो और यहाँ से एस गुच, इन तीनों में से किसी दो को सीवीसी देना अगर बीयूबी पहले बॉलिंग करेगी। और अगर बीयूबी पहले बैटिंग करे तो भाई दो ही ऑप्शन मैं आपको दूंगा, एस गुच और ए वैली गमागे, दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। अभी के लिए मैं अपनी कैप्टनसी दूंगा एस गुच को, वाइस कैप्टनसी थोड़ा सा डिफरेंशियल दे रहा हूँ एम नायक, बिकॉज आरएफ की टीम की बैटिंग भाई काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो उसका एडवांटेज यहाँ से मानव नायक जैसा बॉलर ले सकते हैं। तो देखो भाई लोग टीम हो चुकी है मेरी क्रिएट, इनिशियल टीम है, फाइनल टीम नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। टॉस और लाइनअप कुछ नहीं हुआ, फाइनल टीम आपको मिलेगी टॉस और लाइनअप के बाद हमारे टेलीग्राम में, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज के लिए इतना ही भाई, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।